प्रदीप सिंह जी, आपसे रिएक्शन चाहूंगी इस खबर पर। देखिए, ये पहले से भारतीय जनता युवा मोर्चा के है। पिछले चुनाव में अगर आपको याद हो, उनकी अचानक भारतीय जनता पार्टी में आई और उनको टिकट मिल गया लखनऊ के सरोजिनी नगर से और वो मंत्री बन गए। तो ये उस दौर से पिछड़ गए थे। इस बार पार्टी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया और इनको बलिया से टिकट दिया। बहुत से लोगों को कहना था कि जीत नहीं पाए, लेकिन अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं। तो किस तरह से संगठन ने उनकी उम्मीदवारी, उनको टिकट देने का फैसला किया, उससे एक संकेत है कि उनके लिए संगठन के लोगों के की योजना में कहीं ना कहीं बड़े पद की वो योजना है। जी, केके शर्मा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं। केके शर्मा जी, जी जी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था कि देखिए, आज भी जो है विपक्ष वहाँ का, वो कितने अहंकार में भरा हुआ है। अभी अभी आपने शुरुआत में ओम प्रकाश राजभर जी का आपने बयान सुना, क्या बोल रहे हो कि जनता समझने में फेल हो गई। अरे, आप जनता की समझ पर प्रश्न उठा रहे हैं? आप मतदाता को इतना निम्न छोटा समझते हैं? यही कारण है आपका अहंकार, आपका भ्रष्टाचार, आपका घमंड और जिस ढंग से आप जनता के साथ व्यवहार। चलिए, वो तो अब सामने है ना। आज भी आपकी भाषा वही है, इसलिए मैं आपको कह नहीं, मैं आगे के लिए भी बोल आगे के लिए भी बोल रहा हूं मैं, इसीलिए सिंह जी, क्योंकि यही व्यवहार लेके ये गत 5 वर्ष तक विपक्ष रहा वहां पर, और 5 वर्षों तक वो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए, क्योंकि वो अहंकार में इतना डूबा रहा और इतनी उसकी वो इतना छोटा समझता है, इसीलिए जनता ने आज उसको जवाब दिया। आगे भी यदि यही व्यवहार रहा तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा इनको सुधार वो भी करना चाहिए और दूसरा सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में आना चाहिए। अरुण सिंह से मैं जवाब, और उस भूमिका को भी निभाना चाहिए, क्योंकि हमें एक अच्छे विपक्ष की हमको आवश्यकता है। अरुण राजभर, विपक्ष पर ये आरोप लगता रहा है बार बार कि एक विपक्ष की जो भूमिका होती है वो नहीं निभाई गई, और आज यहाँ पर केके शर्मा भी आपको यही नसीहत दे रहे हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर आप लोगों को देखना चाहते हैं वो। देखिए, अगर हम विपक्ष की भूमिका मजबूती से नहीं निभाए होते तो 59 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हमने हराया, और जो बढ़त 2017 में थी उस बढ़त को हमने कम किया और वोट परसेंटेज हम 36% तक बढ़ाए। 29% वोट हम पिछली बार पाए थे और इस बार हम 36.1% वोट पाए। हमारे हारने का मार्जिन आप देखिए, 35-34 ऐसी सीटें हैं जिनपे हम 200 से 150 से लेकर के हम 5000 के बीच के हैं। अब आप जानिए कि इस मार्जिन से हम चुनाव हारे हैं, तो जनता ने समर्थन दिया है, कहीं ना कहीं चूक हो गई है। आप हमको ज्ञान ना दीजिए, हम जनता का सम्मान करते हैं। जनता ने मुझे विपक्ष में बैठने का मौका दिया और आपसे लड़ने का मौका दिया कि आप हमारे बिजली के मुद्दे पर, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मुद्दे पर और पिछड़े दलित के साथ हो रहे जुर्म जाति के अन्याय अत्याचार के मुद्दे पर आपको मुखरता से लड़नी है, और हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। और 2024 के लिए हम अभी से तैयारी बना रहे हैं कि स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का जो पूर्वांचल में हम बहुत मजबूत हैं, पिछली बार 4 सीटें जीते थे, इस बार हम 6 सीटें जीते, हमारी में कोई कमजोरी नहीं आई है। हारने का भी अंतराल हमारा जो अन्य सीटें हैं वो कम अंतर से हारे हैं। तो विपक्ष ने बहुत मजबूती से लड़ा, जनता ने बहुत मजबूती समर्थन दिया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच जो फैलाए गए थे उसको हम दूर नहीं कर पाए, जनता में वो निगेटिव प्रचार करते रह गए, हमारे तंत्र उसको पॉजिटिव नहीं कर पाए। हम उसको आगे मजबूत करेंगे, पॉजिटिव बनाने का तैयारी करेंगे, जनता से आशीर्वाद लेने का काम करेंगे और लड़ेंगे मजबूती से। अभी सदन चलेगा, सदन में लड़ाई होगी, सड़क पर संघर्ष करना हो संघर्ष करेंगे, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे मजबूती से। ABP News, आपको रखे आगे।